लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवीना अर्जू। 27 जनवरी से लगातार मोरावादी बंद है, फूड स्टॉल, चाय स्टॉल सारे कुछ बंद है। ऐसे में मोरावादी के लोगों का कहना है कि वातावरण साफ हो गया है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि उसका कमाई में ठप हो गया है, जिसके कारण उसका घर नहीं चल रहा। सब अपना अपना दुखड़ा सुना रहे, सब अपना अपना खुशहाली बता रहे, लेकिन ऐसे में लोग मोराबादी आ रहे हैं, गाड़ियों में देखते हैं अपने कुत्तों को लेके घूमते हैं, कोई वॉक करवाने आ रहे, लेकिन ऐसे में जो स्ट्रीट डॉग है जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। अपना दुखड़ा सरकार के सामने रो रो के बताते हैं, लेकिन ऐसे में मासूम कुत्ते ना बोल पाते हैं, ना अपने भावना को किसी के सामने जता पाते हैं। ऐसे में इन लोग का क्या होगा? जो टी स्टॉल रहते थे, फूड के स्टॉल रहते थे, उनसे इनका गुजारा होता था। मोराबादी में जितने भी बचे खुचे फूडी फूड होते थे, उनसे ये खा पी के अपना गुजारा करते थे। लेकिन मोराबादी प्लेस में सारे फूड स्टॉल को बंद कर दिया गया है। ऐसे में ये अपना खाना कहाँ से ढूंढेंगे? मोराबादी में इन भूखों कुत्तों को भी खिलाने के लिए और इनके सोचने वाला कोई है? आइए कौन है जानते हैं। मेरा नाम आर्ची सेन है। नमस्ते। नमस्ते। आप इनके लिए खाना लेके आए हैं? जी, इनको मैं 2 साल से खाना खिला रही हूँ रोज़। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो रेगुलरली खिलाती हूँ। यहाँ पे 100 से 150 डॉग्स हैं, जिनका पानी का व्यवस्था और खाना, वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन जो भी होता है इनका केयर, वो हम लोग यहाँ पर मिल बाँट के करते हैं जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची के तरफ से हूँ, तो वहाँ पे और भी फॉलोअर्स हैं जो हम लोग को फॉलो करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमें इस काम में, और उन्हीं के हेल्प से हम लोग रोज़ डॉग्स को फीड कर पाते हैं और खाना खिला पाते हैं। पानी लेके गए?